लोकसभा चुनाव 2024 के लिए कांग्रेस ने उम्मीदवारों की एक और सूची जारी की है। कल आई इस लिस्ट में दो राज्यों के कुल 5 उम्मीदवारों के नाम हैं, जिनमें 3 नाम कर्नाटक के प्रत्याशियों के हैं और 2 नाम राजस्थान के कैंडिडेट्स के हैं। कांग्रेस की 9वीं सूची में कर्नाटक की जिन 3 सीटों का ऐलान किया गया है, बीजेपी वहां पहले ही प्रत्याशी उतार चुकी है। यानी इन 3 सीटों पर भी जनता के सामने दोनों प्रमुख दलों के उम्मीदवारों के नाम साफ हो चुके हैं। बीजेपी ने बेल्लारी से बी श्रीरामुलु, चामराजनगर से एस बलराज और चिकबलपुर से डॉक्टर के सुधाकर को टिकट दिया है। राजस्थान की बात करें तो वहां असल मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस में ही रहता है। राजस्थान में भाजपा ने महिमा विश्वेश्वर सिंह को चुनावी मैदान में उतारा है। यानी सीट पर दोनों दलों ने उम्मीदवारों के ऐलान करते हुए जनता के सामने पत्ते खोल दिए हैं। हालांकि भिलवाड़ा से अभी तक बीजेपी ने उम्मीदवार घोषित नहीं किया है। कांग्रेस ने इससे पहले 28 मार्च 2024 को प्रत्याशियों की 8वीं लिस्ट जारी की थी, जिसमें यूपी के गाजियाबाद से एक महिला उम्मीदवार का नाम है। डॉली शर्मा पहले भी लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की उम्मीदवार रही और गाजियाबाद के मेयर पद की दौड़ में भी वे शामिल थी, जबकि इसी सीट से बीजेपी ने विधायक अतुल गर्ग को उम्मीदवार बनाया है। भाजपा यहां लोकसभा और विधानसभा दोनों ही स्तर पर लगातार मजबूत प्रदर्शन करती आ रही है। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों की पहली सूची 8 मार्च को जारी की थी। उसमें 39 उम्मीदवारों के नाम थे, जिसमें कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी का नाम भी शामिल था। इसके 4 दिन बाद यानी 12 मार्च को कांग्रेस ने अपने लोकसभा प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट जारी की थी। उस लिस्ट में 43 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया था। इसके बाद 22 मार्च को कांग्रेस ने 57 उम्मीदवारों के नामों की तीसरी सूची जारी की थी। 23 मार्च को जारी चौथी लिस्ट में 46 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए गए थे। 5वीं सूची 24 मार्च को जारी की गई थी। इसमें राजस्थान की 2 और महाराष्ट्र की 1 लोकसभा सीट के लिए उम्मीदवारों का ऐलान किया गया था। कांग्रेस ने 25 मार्च को अपनी 6ठी लिस्ट जारी कर 6 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया था। 26 मार्च को जारी 7वीं लिस्ट में 5 लोकसभा सीटों पर प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया था। कांग्रेस लोकसभा चुनाव के लिए अब तक 212 उम्मीदवारों की घोषणा कर चुकी है। इससे पहले उसने 8 अलग अलग सूचियों में कुल 208 उम्मीदवार घोषित किए थे। देश में 18वीं लोकसभा के लिए चुनाव 19 अप्रैल से शुरू होंगे। इसके बाद 6 और चरणों में 26 अप्रैल, 7 मई, 13 मई, 20 मई, 25 मई और 1 जून को मतदान होगा। लोकसभा के 543 निर्वाचन क्षेत्रों में लगभग 97 करोड़ पंजीकरण मतदाता 10 लाख मतदान केंद्रों पर अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकेंगे। मतगणना 4 जून को होगी। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।